हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं प्रशांत नील डायरेक्टर की छोटी सी बायोग्राफी और उनके मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रशांत नील का जो रियल नाम है वो पहले था प्रशांत नीलकंठपुरम और उनके विलेज का नाम भी नीलकंठपुरम है। उनका जन्म 4 जून 1980 आंध्र प्रदेश नीलकंठपुरम विलेज में हुआ था। उनके पिताजी का नाम है सुभाष नीलकंठपुरम और उनकी माताजी का नाम है भारती नीलकंठपुरम। उन्होंने अपनी पढ़ाई स्कूल जो है वो बाल्डविन बॉयज़ स्कूल बेंगलुरु से कंप्लीट की थी। फिर उन्होंने अपना कॉलेज शीशाद्रीपुरम कॉलेज से कंप्लीट किया और उन्होंने ग्रेजुएशन किया है एमबीए में, मगर उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया। अभी हम उनको प्रशांत नील के नाम से जानते हैं और उनकी एज है 43। उन्होंने 2010 में लिखिता रेड्डी से शादी की थी, जिससे उनको एक बेटा और एक बेटी है। उनके बेटे का नाम है रायांश नील और बेटी का नाम है सरयू नील। उन्होंने टोटल 3 अवार्ड जीते हैं। उन्होंने 2015 में उग्रम मूवी के लिए बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड जीता था और 2019 में उग्रम मूवी के लिए बेस्ट डायरेक्टर साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड जीता था। 2019 में उन्हें जी कन्नडा हेमये कन्नडिगा अवार्ड मिला KGF चैप्टर 1 मूवी बेस्ट डायरेक्टर के लिए। प्रशांत नील स्क्रीन राइटर और फिल्म डायरेक्टर हैं। एक्टर श्री मुरली की 2014 में आई फिल्म उग्रम से अपना डेब्यू डायरेक्टर की शुरुआत की थी। सिनेमाटोग्राफर भुवन गौड़ा और म्यूजिक कंपोजर थे रवि बसरूर। अब मैं इन दोनों का नाम क्यों ले रहा हूँ वो आपको आगे पता चलेगा। चलिए जानते हैं उनकी सभी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट। सबसे पहले उनकी जो मूवी आई थी उसका नाम था उग्रम 2014, जो कि कनाडा मूवी थी, जिसका बजट था 4 करोड़, बॉक्स ऑफिस हुआ 30 करोड़ और ये ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फिर उनकी दूसरी मूवी आई KGF चैप्टर 1 2018 में, ये कन्नड़ा भी मूवी थी और बाद में इसका डबिंग किया गया। और दोस्तों, इस मूवी के भी सिनेमेटोग्राफर भुवन गौड़ा और कंपोजर रवि बसरूर है। इस मूवी का बजट था 80 करोड़ और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ 250 करोड़ और ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फिर 2022 में आई उनकी KGF चैप्टर 2, जो कि पैन इंडिया रिलीज हुई और इस मूवी के भी सिनेमेटोग्राफर थे भुवन गौड़ा और कंपोजर थे रवि बसरूर। इस मूवी का बजट था 100 करोड़ और बॉक्स ऑफिस हुआ 1200 करोड़ और ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। उनकी अपकमिंग मूवी जो कि कनाडा में रिलीज होगी उसका नाम है बगीरा, जो कि 2023 तक आ जाएगी और फिर उसके बाद रिलीज होगी सलार, जो कि तेलुगु मूवी है और वो भी 2023 में रिलीज़ हो जाएगी। और आखिर में उनकी मूवी आने वाली है NTR 31 और ये भी एक तेलुगु मूवी होगी। दोस्तों, उनकी जो सबसे बड़ी मूवी है यानी कि KGF चैप्टर 3, ये 2024 या फिर 2025 तक आने का चांस है, ये सारी मूवीज़ कंप्लीट होने के बाद। आप इन अपकमिंग मूवीज़ में से कौन सी मूवी के लिए एक्साइटेड है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगले अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।